स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राफ्ट सबसे पहले कॉलम, रिटेनिंग वॉल, लिफ्ट वेल एंड सम्प की लेआउट की जाती है। इसके बाद ड्राफ्ट की बॉटम रिइंफोर्समेंट वर्क को किया जाता है अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चेयर्स, जिसकी मिनिमम डायमीटर 12 mm होती है और दो चेयर्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 1 मीटर होता है। देन ड्राफ्ट की टॉप रिइंफोर्समेंट वर्क को कंप्लीट किया जाता है। देन फाइनली कॉलम रिइंफोर्समेंट को लेआउट पोजिशन पर फिक्स किया जाता है। तो कॉलम रिइंफोर्समेंट से जुड़ी डिटेल्स को स्टार्ट करेंगे विद कॉलम शेड्यूल एंड वी विल लर्न हाउ टू रीड अ स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ कॉलम इन ईजिएस्ट पॉसिबल वे। यह ड्राइंग एक बिल्डिंग के कॉलम स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, जिसमें आज डिस्कस करेंगे कॉलम शेड्यूल को। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कभी भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग को आप रेफर करेंगे तो सबसे पहले आपको रेफर करना है जो उस ड्राइंग में लिखे हुए नोट्स को। तो नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है उसको एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं। फर्स्ट, रीड दिस ड्राइंग अलॉन्ग विद द रेलिवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग से हमें लेवल्स पता चलते हैं, डायमेंशंस पता चलते हैं। नेक्स्ट, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर एंड लेवल्स आर इन मीटर। थर्ड, डू नॉट अ स्केल, रीड द फिगर ड्राइंग ओनली। स्केलिंग नहीं करनी है, देर इज नो स्केल फॉर दिस ड्राइंग। जो भी डायमेंशन लिखा हुआ है, न्यूमेरिक लिखा हुआ है, उसी को एज इट इज पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट ग्रेड फॉर कॉलम शैल बी M30। तो जितने भी तरह के कॉलम है उसके लिए M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, 5 डिनोट्स HYSD एंड ग्रेड इज योर 500। इसका मतलब जितने भी कॉलम में रिइंफोर्समेंट वार लगेंगे वो सारे के सारे HYSD होंगे एंड जिसका ग्रेड FE 500 होगा। कवर लिखा हुआ कितना, 40 mm है। नेक्स्ट, एट एनी सेक्शन नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शैल बी लैप्ड एंड लैप लेंथ शुड बी 50 into dia ऑफ अ स्मॉलर बार लैप्ड। इसका मतलब लेट सपोज एक पर्टिकुलर कॉलम में 8 सरिया जा रहा है, तो जहाँ पे भी लैपिंग जोन में जब लैप करेंगे तो सिर्फ 4 रिइंफोर्समेंट बार को ही हम लैप करेंगे और जिसकी लेंथ कितनी होगी 50 into dia। और डाया क्या होगा, लेट सपोज कॉलम में 25 और 16.5 की स्टील जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में लैप लेंथ कितना हो जाएगा, 50 × 16। नेक्स्ट, अटेम्प्ट शैल बी मेड टू अवॉइड लैप्स इन वर्टिकल बार्स एट एवरी फ्लोर लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिश ये करनी है कि हर फ्लोर पे लैपिंग ना हो, बट यदि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपको हर फ्लोर पे लैपिंग करनी पड़े तो वी शुड रिफर द पॉइंट नंबर 7, मीन्स 50% स्टील बार्स शैल बी लैप्ड। नोटेशन है, EQ स्टैंड्स फॉर इक्वल, TYP स्टैंड्स फॉर टिपिकल। इसको शुरुआत करने से पहले वी शुड रेफर द राफ्ट ड्राइंग, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कॉलम की रिइंफोर्समेंट राफ्ट से किस तरह से स्टार्ट की जाती है। ये ड्राइंग सेम बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ड्राइंग है राफ्ट फाउंडेशन के लिए। यहाँ रेड कलर से जो आउटलाइन की गई है उसको रेफर कीजिए। दिस इज ए सेक्शन ए, ये सेक्शन ए की डिटेल है। कॉलम रिइंफोर्समेंट का ये पोर्शन जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लेग। और जो लेग है उसकी लेंथ कितनी लिखी हुई है, 300 mm। तो इस बिल्डिंग के जितने भी कॉलम्स होंगे सबके लेग की लेंथ 300 mm होगी। कॉलम शेड्यूल को अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट थिंग जो हमें रेफर करना है, की प्लान को। सामने जो दिख रहा है बिल्डिंग का की प्लान, इसको जब रेफर करते हैं तो हमें पता चलता है फर्स्ट कि कॉलम की लोकेशंस कितनी है, सेकंड कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है, थर्ड उसके क्रॉस सेक्शंस क्या है, हेयर, एल शेप, टी शेप, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैंने टेबुलेट किया है डेटा को। फर्स्ट जो एल शेप कॉलम है उसका नोमेनक्लेचर क्या लिखा हुआ है कॉलम शेड्यूल में, C1, C3 एंड C4। टोटल नंबर्स है 44 और इसकी क्रॉस सेक्शन को रेफर करेंगे तो इसका साइज दिया हुआ 230 × 750। जो टी शेप कॉलम है उसकी संख्या कितनी है, 2 और उसका नोमेनक्लेचर C2 दिया हुआ है कॉलम शेड्यूल में। और क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो उसका साइज 230 × 600 mm। रेक्टेंगुलर कॉलम उसकी भी संख्या 2 है और इसका नोमेनक्लेचर C5 है, डायमेंशन 230 × 1000। कॉलम उसकी नंबर्स कितने हैं, 12 और यदि इसकी नोमेनक्लेचर की बात करें तो C6 मार्क किया हुआ है एंड 230 × 300 इज द साइज। जो मैं वर्टिकल एरो बना रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर कॉलम जो है अलग अलग फ्लोर लेवल्स को मार्क करेगा। फर्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ फाउंडेशन। सेकंड क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर लेवल। यहाँ पर टॉप ऑफ फर्स्ट फ्लोर, टॉप ऑफ सेकेंड फ्लोर, टॉप ऑफ थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। तो यहाँ फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ क्या लिखा हुआ, साइज एज SEC, SEC स्टैंड फॉर सेक्शन। तो साइज के रेफर करने के लिए आपको क्या देखना है, सेक्शन को देखना है। अब ये देखिए कॉलम के अलग अलग सेक्शन है, एल शेप, टी शेप, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। तो इस सेक्शन को रेफर करना है। सेकेंड क्या लिखा हुआ, कॉन्क्रीट ग्रेड।
M30। तो जितने भी कॉलम के प्रकार हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 सबके लिए सेम ग्रेड है, M30 ग्रेड में कॉन्क्रीट की कास्टिंग करनी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, वर्टिकल बार। तो यहाँ पे बार की डायमीटर को इन्होंने 5 से डिनोट किया हुआ है। यहाँ लिखा है इन्होंने 12-25 5, मीन्स 12 नंबर ऑफ स्टील्स होंगे जिसकी डायमीटर 25 mm होगी। C2 के लिए लिखा है इन्होंने 6-25 5+8-25, मीन्स 25 डाया की 6 बार होंगी और 20 डाया की 8 बार होंगी। नेक्स्ट टाइज। तो आपको पता होगा कि कॉलम में जो लेटरल रिइंफोर्समेंट होते हैं उसको टाइज बोलते हैं, और इन्होंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है A, B, C। इस टाइज के लिए सामने इन्होंने लिखा है 8-300। अब इसके लिए आपको सेक्शन को रेफर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर टी सेक्शन कॉलम को लेते हैं कि A, B, C की मार्किंग की हुई है। जो टाई ए है वो कौन सा होगा, वो इस शेप का है। बी टाई की बात करें तो दिस इज योर बी टाई। टी की बात करें तो दिस स्मॉल टाई इज योर सी। यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ टाइज के बारे में लिखा हुआ है ABC के लिए। एक कॉलम की क्लियर हाइट को 2 जोन में बांटा जाता है, दिस इज जोन ए, जोन ए एंड दिस इज जोन बी। कॉलम में रिइंफोर्समेंट की जो लैपिंग की जाती है, लैप लेंथ प्रोवाइड किया जाता है, वो जोन बी में प्रोवाइड किया जाता है। कॉलम के जिस पोर्शन को अभी हैच किया है दैट इज योर जोन ए। जोन ए के लिए इन्होंने लिखा है @75। इसका मतलब है कि जो रिइंफोर्समेंट होगी टाइज उसकी स्पेसिंग 75 mm की होगी सेंटर टू सेंटर। कॉलम के जिस पोर्शन को अभी हैच किया है दिस इज योर जोन बी। जोन बी के लिए इन्होंने लिखा एज शेड्यूल, और शेड्यूल में हमने देखा था उसमें लिखा था 8-300। 8 स्टैंड्स फॉर कि जो टाइज है वो 8 डाया की स्टील से बनेगी और 300 उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। नीचे एक बात और लिखी हुई है, लैपिंग जोन @150। इसका मतलब तो जहाँ पे भी लैपिंग किया जाएगा स्टील रिइंफोर्समेंट को, वहाँ पे जो टाइज होगा 150 सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग पे प्लेस किए जाएंगे। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर्स। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इन्फॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।